हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और अभी अभी अपने बीटेक के सेकेंड सेमेस्टर में गया है बेटा, तो उनको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 2। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है ताकि आप अच्छे से चीजों को अचीव कर पाओ। ठीक है, चलिए बेटा आप एक बात समझिए, हम लोग कभी भी कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं हमारे मन में दो ख्याल आता है कि क्या ये इजी है या ये टफ है। तो एक बात आप समझना बेटा, मैथमेटिक्स 2 इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और मैं इसे पूरी तरीके से टफ भी नहीं बोलूंगा। बस यहां पर एक बात आप समझना कि मैथमेटिक्स 2 आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मैथमेटिक्स 2 15 दिनों में, 20 दिनों में, 30 दिनों में कर लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है बेटा। आपको इसे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। कम से कम मैथमेटिक्स 2 को पढ़ने के लिए आपको 60 दिन चाहिए, और मैं आपको फिर से एक बात रिपीट करूंगा कि 60 दिन आपको पढ़ने के बाद इसे कम से कम अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह है कि आपको इस सब्जेक्ट को दिल देना पड़ेगा। अगर आप दिल नहीं देते उस सब्जेक्ट को, तो बाय गॉड ये ऐसे तो नहीं निकलने वाला। अगर आप मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 3 को मिला भी दोगे ना, तो भी वो मैथमेटिक्स 2 की बराबरी नहीं करेगा। मैं यहां पर डरा नहीं रहा हूं, मैं बस यहां पर बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स 2 को हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं आपके सीनियर्स की बात बता रहा हूं कि जितने बच्चे सेकंड सेमेस्टर में रेगुलर पेपर दिए थे उससे ज्यादा बच्चों ने बैक का एग्जाम दिया था। तो प्लीज इसे हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और साथ ही साथ किस पैटर्न से पढ़ना है, कहां पर ज्यादा फोकस करना है बेटा, क्योंकि अब कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के अलावा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बेटा सिलेबस की बात करते हैं। तो आपको यहां पर 5 मॉड्यूल पढ़ना है। पहला मॉड्यूल आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरा मॉड्यूल भी आपका वही है, इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया है। तो 2 मॉड्यूल में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है और तीसरे मॉड्यूल में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको जो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है आपका पार्शियल। तो 2 मॉड्यूल में आपको ऑर्डिनरी पढ़ना है और 1 मॉड्यूल में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका मॉड्यूल 4, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है, ये अलग है। और आपका मॉड्यूल नंबर 5, वेक्टर कैलकुलस, ये भी अलग है। और एक बात आप समझना, मतलब मानकर चलो जितने भी यहां पर चैप्टर्स है ना, वो सारे कंसेप्ट बेस्ड है। इसका मतलब ये बेटा कि जिस अरेंजमेंट में टॉपिक है आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स 1 में क्या था कि आप कहीं से कुछ भी उठाकर पढ़ते थे तो आपको समझ में आने लगता था, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जब तक आप छोटे छोटे टॉपिक्स को नहीं पढ़ोगे, अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, आप बड़े टॉपिक्स को नहीं कर पाओगे। बच्चों ने पता गलती क्या करा, बच्चों ने गलती ये करा था कि मैथमेटिक्स 2 का बच्चों ने कोर्स लिया, बच्चे पढ़े भी थे, नो डाउट बच्चों ने पढ़ा था, लेकिन बच्चों ने क्या नहीं करा था, प्रैक्टिस नहीं करा था। तो जो भैया इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा उसका पेपर नहीं निकलेगा, ये बात आप समझ जाओ। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि भैया इंपॉर्टेंट वगैरह के चक्कर में इसमें नहीं रहना, कोई भी इंपॉर्टेंट आगे नहीं आने वाला। जो वीडियो है समझो यही है। अब मैं आपको क्लियर समझा दूंगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। अगर कोई बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको बेवकूफ बना रहा, चाहे वो मैं ही क्यों ना। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी नहीं होगा, एक बात समझ लो। मैथमेटिक्स 2 में IMP क्वेश्चंस नहीं हो सकते। यहां पर अगर इंपॉर्टेंट होगा तो वो होगा आपका कंसेप्ट, कि आपने कंसेप्ट को कितने अच्छे से सीखा है, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा, आपका प्रैक्टिस। अगर आप ये 2 चीज करते हो ना, आपका मैथमेटिक्स 2 कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप ये नहीं करोगे तो आप बार बार M2 देने के लिए तैयार हो जाओ, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अभी बहुत समय है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। शॉर्टकट के चक्कर में आप फंस जाओगे, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं। हार्फ में इतना कभी नहीं होता हूं, लेकिन अब थोड़ा सा होना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी हार्श नहीं होऊंगा, आपको नहीं डांटूंगा, नहीं समझाऊंगा, तो आप नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। चले तो सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, जिसमें आपको लेबनीज पढ़ना है, बर्नौलीज पढ़ना है, एग्जैक्ट पढ़ना है। तो इन तीन टॉपिक्स को करने में अपन को कम से कम लगेंगे 15 लेक्चर्स, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो हमारा हायर ऑर्डर है, जिसमें अपन को विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला पढ़ना है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और उसके बाद आपका होमोजेनियस है और आपका साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस वाले पार्ट को कवर करने के लिए कम से कम अपन को लगेंगे 35 लेक्चर्स। तो एक बात आप समझ लो, आपको मॉड्यूल 1 में टोटल 50 लेक्चर्स पढ़ना है। अब एक बात आप और समझिएगा भाई साहब, 50 लेक्चर्स तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्वेश्चंस लगाना है। जितना मैं करवा रहा हूं वो तो आप करो ही, कॉलेज के असाइनमेंट के क्वेश्चंस करो, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट है। जैसे अगर अपन कोई टॉपिक उठाते हैं, मान लो हम लोग उठाते हैं लेबनीज, तो यहां पर मैं आपको लेबनीज अच्छे से समझा दूंगा, लेबनीज होता क्या है, कैसे इसको अपन पकड़े, है ना, किस तरीके से सॉल्व करें। तो यहां पर सिर्फ कंसेप्ट है कि अगर कुछ नया क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर पाओ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको सीएफपीआई में साइन 2x निकालना आता है और एग्जाम में साइन 3x आ गया, तो भाई जिस तरीके से साइन 2x निकला उसी तरीके से साइन 3x भी निकलेगा। तो डरना नहीं है, एक बात समझो, मैं डरा जरूर रहा हूं, लेकिन उन बच्चों को जो पढ़ना नहीं चाहते, जो बच्चा पढ़ेगा ना वो निडर होके जाएगा, क्योंकि उसको पता है साइन सॉल्व कैसे होता है। अब एग्जाम में साइन 2x दे, साइन 9x दे, साइन 100x दे, वो नहीं डरने वाला बेटा, क्योंकि सीएफपीआई में 5 केसेस होते हैं, अगर वो पांचों पढ़ लेता है तो छठा कोई केस है नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स 1 में जो हुआ था उसमें मैं मानता हूं कि आरजीपीबी ने क्वेश्चन टफ दिया था, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि 1, 2, 3 क्वेश्चंस को छोड़कर सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो इजी थे, हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। तो जो गलती हम कर चुके हैं उससे हमें दोहराना नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद मॉड्यूल 2 में हम लोग आते हैं। तो मॉड्यूल 2 को मैं दो पार्ट में देखता हूं, एक पार्ट आपका ये है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट और आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये आपका एक पार्ट हो गया, दिस इज नेम एज पार्ट ए, ठीक है। और ये जो बाकी के है ना, पावर सीरीज हो गया, लेजेंडरी हो गया, है ना, और आपका बेसल हो गया, ये सारे जो है बेटा ये आपके पार्ट बी हैं, ठीक है। चलिए तो मैं अभी यहां पर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं इसको, क्योंकि मुझे आगे इसमें कुछ बताना है। तो पार्ट ए को कंप्लीट करने में मानकर चलिए अपन को लगेगा कम से कम 15 लेक्चर तो लगेगा, ठीक है, और पार्ट बी को कंप्लीट करने के लिए भी हमें कम से कम 15 लेक्चर लगेगा, ठीक है। चले तो आपके मॉड्यूल 3 में टोटल कितने लेक्चर्स हो जाएंगे बेटा, 30 लेक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है भाई, इससे कम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं बता दे रहा हूं भाई साहब, क्योंकि मैंने ही बहुत मेहनत से वीडियो शूट करे, आपको भी अब मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चले मॉड्यूल 3 आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, और आपको होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ना है। तो ये आपको मानकर चलो कि 30 लेक्चर्स में हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं मॉड्यूल 4 में, जो है आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी क्या है बेटा, दो पार्ट है, एक आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट है जो कि यहां तक आएगा, ये यहां तक आएगा सीआर इक्वेशन तक, ये आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट है, और यहां से जो पार्ट शुरू होगा ये आपका इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आधा मैथ इसका डिफरेंशिएशन से सॉल्व होगा और आधा मैथ इसका इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसे भी कंप्लीट करने में अपन को 30+ लेक्चर्स लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आखिरी लेक्चर में। चलिए बेटा हमारा मॉड्यूल 5 जो है वो है हमारा वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। अब देखो वेक्टर कैलकुलस में भी क्या है बेटा, कि यहां से आपका यहां तक कर्ल तक ये आपका सॉल्व होगा डिफरेंशिएशन से, ठीक है, और यहां लाइन इंटीग्रल से और ग्रीन थ्योरम तक ये आपका सॉल्व होगा इंटीग्रेशन से, ठीक है। चलिए बेटा अब मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं कि आपको कौन से सीक्वेंस से पढ़ना है। देखो बेटा एक बात समझो, इस बार मेहनत करना है, बाद में रोना नहीं कि सर हमारा एग्जाम खराब गया, हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं, कि भाई ये वाला बात मैं अब नहीं सुनना चाहता। अगर आप नहीं पढ़ोगे अच्छे मन से आप नहीं पास होगे, इसे आप क्लियर कर लेना, 20-25 दिनों में कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर कोई बच्चा कोर्स लेगा तो मैं उसे यही बोलूंगा कि बेटा अगर आपको पढ़ने की चाहत है तभी आप कोर्स की तरफ जाना, ऐसे पैसा मत बर्बाद करना कि चलो सर का कोर्स लेंगे हम पास हो जाएंगे, ये कतई झूठ है।
मेरा कोर्स बस आपको सपोर्ट करेगा, आपको उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, तभी आपका पेपर निकलेगा। तो भैया उन बच्चों से मैं निवेदन करता हूं जो कोर्स लेकर ये सोचेंगे कि मैं पास हो जाऊंगा, वो नहीं होगा, ये आप एकदम क्लियर कर लो। पढ़ना है तो ही कोर्स लेना, नहीं पढ़ना है कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखो बेटा आपको स्टार्ट कहां से करना मैं क्लियर कर देता हूं, इसको भी कंप्लीट करने में आपको 30 लेक्चर से ज्यादा लगेंगे, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट हम लोग करेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर 5 से। सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 5 पढ़ना है जो कि क्या है, वेक्टर। अब मैं आपको यूनिट 5 वेक्टर इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा टफ यही है, तो अगर आप इसे एग्जाम टाइम में पढ़ोगे ना आप इसे क्या करोगे, गलती कर दोगे, ठीक है। टफ है ये, पता क्या खोजता है बेटा, वेक्टर कैलकुलस खोजता है आपसे थोड़ा सा समय। अगर आप समय देकर पढ़ोगे ना, मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि वेक्टर कैलकुलस का आप गेट के क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, बस आपको पेशेंस वाइज पढ़ना है। जल्दी जल्दी पढ़ोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहां पर सारे जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। आप सोचोगे कि नहीं यार मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं, वहां पर आप गलती कर दोगे। तो सबसे पहले आपको वेक्टर पढ़ना है। जब आप इसे पहली बार पढ़ोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये 60% समझ में आए, ठीक है, लेकिन जब आप इसको दोबारा रिवीजन करोगे तो ये कंफर्म है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आपको वेक्टर को मानकर चलो कि स्टार्टिंग में पढ़ना है और एक बार फिर बाद में अच्छे से रिवीजन करना है, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, कंसेप्ट सीखना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन नया दे दिया, देखो यहां पर जितने भी चैप्टर्स है ना वो सारे कंसेप्ट बेसिस है, क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है क्वेश्चन का। एक बात आप समझना, वेक्टर ले लो आप, चाहे आप यूनिट नंबर 4 ले लो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, यहां पर क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, वो कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, अगर आप कंसेप्ट सीख लोगे आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, तो कंसेप्ट प्लस आपका प्रैक्टिस ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया, उसके बाद आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 4, ठीक है, जो कि आपका क्या, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इजी है लेकिन यहां पर भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कंसेप्ट का गेम है बेटा। यहां पर भी क्या होता है, एक सर्कल होता है ऐसा, है ना, अगर पॉइंट्स अंदर हैं तो इसे सॉल्व करना है, पॉइंट यहां पर है तो इसे सॉल्व करना है बाउंड्री पे, और बाहर है तो सॉल्व नहीं करना है। अब आरजीबीबी क्या है ना, थोड़ा सा सियाना हो गया है, आरजीबीबी क्या करता है, बाहर वाला पॉइंट दे देता है और बच्चे गलती कर देते हैं। तो यहां पर भी कंसेप्ट का गेम है। जब मैं क्वेश्चन देख रहा था मैथमेटिक्स का, तो मैं मुस्कुरा रहा था कि क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट बेस्ड है, कैलकुलेशन कम करवा रहा है और आपसे ज्यादा कंसेप्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अच्छे मन से पढ़ना तो आपको सब कुछ बनेगा, सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, भागोगे ना क्वेश्चन के पीछे, कुछ नहीं हासिल होने वाला। इसलिए आप अच्छे से सीखो, क्या सीख सकते हो, जैसे कि मैं सर्कल वाला एग्जांपल आपको देता हूं, अगर पॉइंट अंदर है कैसे सॉल्व होता है सीखो, पॉइंट बाउंड्री पे है कैसे सॉल्व होता है सीखो, और अगर पॉइंट बाउंड्री के बाहर है कैसे सॉल्व होता है सीखो। भाई इन तीन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, या तो पॉइंट अंदर रहेगा, या तो बाउंड्री पे रहेगा, या तो बाहर रहेगा, सीख लो ना, उसके बाद एग्जाम में जाओ जो पूछेगा बना देना। अंदर रहेगा तो अंदर के कंसेप्ट से बनाना, बाहर रहेगा तो बाहर के कंसेप्ट से, क्योंकि इसके अलावा कुछ पूछ नहीं सकता। तो जितने भी केसेस है बेटा, अगर आप उन केस को अच्छे से पढ़ लोगे, जैसे यहाँ पे तीन केस है, तीन केस पढ़ लो, 7 नंबर आपके कंफर्म है। हाँ, और अगर क्वेश्चन के पीछे भागोगे कि ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भैया फंस जाओगे, कंसेप्ट के पीछे भागो, आराम से मैथमेटिक्स 2 निकलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन को आना है यूनिट नंबर 1 में, थोड़ा बड़ा है ना, और मैं से हार्ड नहीं बोलूंगा, यहां पर बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है। यूनिट नंबर 1 आपका ODE है, ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में सब कुछ आपको आएगा, बस आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं, ठीक है। देखो मैंने यहां नोट करके रखा था, अटेंड ऑल द लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं, प्रैक्टिस करना है 3 से 4 बार एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए उसके बाद यूनिट नंबर 1 के बाद आप पढ़ना यूनिट नंबर 2 का पार्ट ए, बस आप पार्ट ए पढ़ना, पार्ट बी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं। मैं आपको इतना छूट दे रहा हूं कि आपको यूनिट नंबर 2 का सिर्फ पार्ट ए पढ़ना, पार्ट बी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए और उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो आप मानकर चलो कि आपको मैथमेटिक्स 2 में 4.5 यूनिट पढ़ना है, अभी से मेक श्योर हो जाओ, इसमें अगर आप 4.5 से कम पढ़कर जाओगे तो आप फंस जाओगे भैया, फंसने वाला काम मत करना। क्योंकि आरजीबीबी पता है क्या कर रहा है, आरजीबीबी ये कर रहा है
कि किसी एक यूनिट को वो टफ पूछ दे रहे, जैसे कि एक बार क्या किया यूनिट फाइव को एकदम टफ पूछा, लेकिन यूनिट नंबर फोर वन टू और थ्री इसको क्या रखा, इजी रखा। तो वो किसी ना किसी एक यूनिट को जरूर टारगेट करेगा, टफ पूछेगा। तो अगर साढ़े चार में अगर आप एक हटा भी दो तो कम से कम साढ़े तीन यूनिट तो वो इजी पूछने वाला, साढ़े तीन यूनिट अगर अच्छे से पूछ लेगा, अच्छे से कर लेंगे अपन, आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टोटल आठ क्वेश्चन होते हैं और आप ये मानकर चलो कि यूनिट नंबर फोर फाइव है ना, यूनिट नंबर ये जो आपका फोर फाइव है इनसे आपको चार क्वेश्चन पूछने वाला है, और यूनिट नंबर वन है ना, यूनिट नंबर टू का पार्ट ए और यूनिट नंबर थ्री, इससे चार क्वेश्चन वो पूछेगा, ये गारंटीड है, जिसमें हमें पांच करके आना है। लेकिन मैंने क्या बोला, आप साढ़े चार यूनिट अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि अगर कोई एक यूनिट वो टफ पूछता है, जैसे मान के चलो वेक्टर पूछ दिया टफ, तो दो तो आप ऐसे ही माइनस कर दो, ठीक है। तो इस बार क्या है ना बेटा कि हर तरीके से तैयार होकर जाएंगे अपन, कि हमारे हिसाब का क्वेश्चन आया तो हम कैसे पास होंगे, अगर हमारे हिसाब का क्वेश्चन नहीं आया तो हम कैसे पास होंगे, भैया ये आप समझ लो, है ना। कोई जरूरी थोड़ा ना कि हम जैसा करके जा रहा वैसा ही क्वेश्चन है, हो सकता है टफ हो जाए। तो भैया दोनों प्लान को लेकर चलना पड़ेगा, प्लान ए और आपका प्लान बी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, सिलेबस मैंने आपको अच्छे से बता दिया, पैटर्न भी बता दिया आपको कि पहले फाइव फोर उसके बाद वन टू थ्री, इस तरीके से आपको पढ़ना, पहले वन टू थ्री मत पढ़ना, वरना फाइव और फोर आपको टफ लगेगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, क्योंकि वन टू थ्री समझो एक जैसा चैप्टर है, तो इसको आप बाद में पढ़ना, भले आप मुझसे कोर्स लो चाहे नहीं लो, लेकिन आप स्टडी पैटर्न वही रखना, फाइव फोर वन टू थ्री, ठीक है। वन से स्टार्ट मत करना, क्योंकि वन टू थ्री पढ़ोगे ना तो आप क्या करोगे, फोर और फाइव को छोड़ दोगे, क्योंकि इतना ये ज्यादा है ना, किसको पढ़ने के बाद लगेगा कि आपने बहुत पढ़ लिया, लेकिन इससे कितना क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ चार, और यहां पर आप सिर्फ फोर फाइव पढ़ोगे इससे कितना पूछेगा, चार, ठीक है। तो ये वाला काम मत करना बेटा, है ना, आपको जो सीक्वेंस बता रहे उसी सीक्वेंस में पढ़ना, पहले फाइव फोर उसके बाद वन टू थ्री, ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। और भैया अगर अपना दिमाग लगाओगे तो लगाओ, ठीक है, कहां फंस सकते हो, मैंने सारी चीजें बता दी, है ना। वन टू थ्री पढ़ना बाद में आराम से, क्योंकि एक जैसा चैप्टर है, आराम से पढ़ोगे समझ में भी आएगा, आपस में कनेक्टेड भी है। तो पहले फाइव और फोर को आप कंप्लीट कर लो, फाइव और फोर कंप्लीट करने में मानकर चलो आपको एक महीने का समय लगेगा, अच्छे से पढ़ते हो प्रैक्टिस करते हो तब, और आपका यूनिट नंबर वन टू थ्री करने में आपको कम से कम 40 डेज का समय लगने वाला है। तो मैथमेटिक्स टू के लिए कम से कम 50 दिन चाहिए, अगर आप इतने दिन मेहनत कर सकते हैं तो आप कोर्स के लिए जरूर जाइएगा, मैथमेटिक्स टू का कोर्स आपको 799 में मिल जाएगा, ठीक है। पुराना वाला प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दे रहा हूँ, जिस बच्चे को डेमो लेक्चर चाहिए, है ना, तो जो पुराना वाला लेक्चर है मेरा वेक्टर कैलकुलस का, उसी को आप मान के चलो एज अ डेमो, क्योंकि फिर से वही चीज शूट करूंगा, कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, मॉडिफिकेशन जरूर होगा, है ना, अभी जो भी फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन अभी मैं करने वाला हूँ, है ना। तो जो भी कंटेंट है आपको अच्छे से मिलेगा, उसके लिए आप परेशान मत होना कि सर नया है पुराना है, जो भी है सर बेस्ट कंटेंट है, मानकर चलो 150 से ज्यादा वीडियोज है उस पर, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपको कोर्स लेना और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जिनका मैथमेटिक्स वन नहीं गया, अच्छा भैया वो मैथमेटिक्स वन भी लेकर पढ़ना स्टार्ट करें। और भैया ये जो ग्राफिक्स है, मुझसे लगता मिस्टेक हो गया, मैथमेटिक्स वन दो बार हो गया ना, यहाँ पर मैथमेटिक्स वन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये आपका मैथमेटिक्स वन 799 का, और जिसका ग्राफिक्स है बेटा, ग्राफिक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, है ना, ग्राफिक्स को भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, मैथमेटिक्स टू हो गया, साथ ही साथ इसका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बीएमई मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, ये फ्री है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट तो हो जाएगा, एम टू और बीएमई एक ग्रुप वाले का हो जाएगा जो मैं करवा दूंगा, और आपका एम टू और ईडी ये ग्रुप के बच्चों को मैं करवा दूंगा। आप कुछ बच्चे महान है सोचते रहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारे कॉलेज, भैया उस सब के चक्कर में मत पढ़ो, चुपचाप से कोर्स लो और पढ़ाई करो, ठीक है। वरना नहीं पढ़ना तो पढ़ो ही मत, एग्जाम के टाइम में ड्रामा करके कोई मतलब नहीं बनता, मैं क्लियर कर दे रहा हूं फिर से कि अगर आप सोचोगे एग्जाम टाइम में कोर्स ले ले पढ़ ले, बस पैसा बर्बाद होना है, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो ताकि एग्जाम के टाइम में आपको कोई भी टेंशन ना हो। मैं मैथमेटिक्स टू का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाके देखिए, बेस्ट लेक्चर है, जो भी अपन को करना होगा ना मैं वहीं पर करूंगा, ठीक है। जो हमारा फोल्डर बना उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वहीं पर मैं चेंजेस करूंगा, और आफ्टर रमजान जब हमारा ईद हो जाएगा तो मैं ऑफलाइन के लिए भी ट्राई करूंगा कि बच्चों के लिए मैं ऑफलाइन सेंटर के लिए कुछ करूं पाए, तो वो है बस आप रिस्पॉन्स अच्छा कीजिए, ठीक है। रमजान के बाद मैं मैथमेटिक्स टू के बच्चों से मिलूंगा भी, और उनके जो डाउट्स होगा बेटा उनको सॉल्व करूंगा। आप सभी को पता है जहांगीराबाद में हमारी कोचिंग है, तो उसका यूटिलाइज हम लोग करेंगे, लेकिन वो मैं रमजान के बाद करूंगा, ठीक है। एक महीना बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपने डाउट्स को इकट्ठा रखिए, कोई भी दिक्कत होता है ये मेरा ही नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, है ना, बस मिस कॉल करके आप छोड़ देना, मैं कॉल बैक कर लेता हूँ, ठीक है।
तो भैया M2 में रिक्स मत लीजिए, आप जाके पढ़िए, वही पुराना वाला लेक्चर ही रहेगा, उसी में मैं मॉडिफिकेशंस करूंगा, सारा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। आई थिंक आपने समझदारी होगी, मत करना लापरवाही यार, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लास्ट मोमेंट में कोर्स लेते हो, पढ़ भी नहीं पाते हो अच्छे से। मैं ये चाहता हूँ कि आप कोर्स लो और पाई पाई वसूल करो, जो आप 800 रुपये दे रहे हो ना, पाई पाई वसूल करो। लंबा वीडियो बन रहा है मुझे पता है, कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए लेकिन करना पड़ रहा है, मैं आपको डांट भी रहा हूँ क्योंकि जरूरी है। मैथमेटिक्स 2 बिना आपके मेहनत से नहीं निकलने वाला, भले मैं कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा लो। ठीक है, चलिए अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, बिल्कुल मत परेशान होइए, आप लेकर पढ़िए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।